हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। मैंने यहाँ पर तीन यूजेस को डिस्कस करना है, आप ध्यान से देखें। पहला यूज तो है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। मींस ये होता है कि हमें कोई फॉर्मूला दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको देखें, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम एक फॉर्मूला है जिसमें ई एनर्जी है, पी जो है मोमेंटम है और एम जो है वो मास है किसी ऑब्जेक्ट का। तो ये उसकी एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इसके LHS को ले लें, LHS एनर्जी है, ई उसके डायमेंशन को लिखें, फिर इसके LHS को ले लें, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, पी यानी मोमेंटम की डायमेंशन लिख ली, टू एक न्यूमेरिक फिगर होता है, इसकी डायमेंशन की जरूरत नहीं है, और एम की डायमेंशन एम लिख ली, इसका होल स्क्वायर किया है, तो यहाँ एम टू एल टू और टी माइनस टू हो जाएगा, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम वन एल टू टी माइनस टू जो है वो इसकी डायमेंशन मिली, और ये डायमेंशन LHS के इक्वल आ रही है। देखें दोनों डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये टर्म्स में भी लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पर देखें तो इसके LHS में ये दो टर्म्स हो गई, तो आपको दोनों की डायमेंशन निकालनी है दोनों टर्म्स की, और अगर दोनों इस टर्म्स की डायमेंशन आपस में भी सेम होनी चाहिए और LHS की भी सेम, LHS भी सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला करेक्ट होता है। ध्यान रखें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जबकि उनकी डायमेंशन सेम हो जाए। सपोज करो मुझे 1 आवर में 32 सेकंड ऐड करने, तो ऐड हो जाएंगे दोनों टाइम है, लेकिन 1 आवर में 25 ग्राम कभी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक टाइम है और एक मास है। ठीक है, तो किन्हीं भी क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो ऐसे फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इनकी डायमेंशन भी सेम प्रूव करनी पड़ेगी और टोटल LHS की डायमेंशन LHS के बराबर भी करनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। सेकेंड यूज होता है कन्वेंशंस ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसे मान लो एक कोई वैल्यू दी गई है वो एक सिस्टम में है, आपको दूसरे सिस्टम में चेंज करनी है, तो उसके लिए अपन ये डायमेंशनल एजेस का फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, क्योंकि n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए n1 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू और u1 को हमने डिस्क्राइब कर लिया वन डायमेंशनल सिस्टम में। सपोज ये MKS है तो ये किलोग्राम में, ये मीटर में, ये सेकेंड में होगा, ये CGS है तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये इनको लिखने का तरीका हो गया m1 l1 l1 गिवन सिस्टम, m2 l2 l2 जो है वो सिस्टम जिसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है। l2 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही हमें निकालना है, तो n2 निकालने के लिए इस टर्म को आप डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर ये ऐसा बन जाएगा। अब इसमें आपको ऊपर वाली जो टर्मोलॉजी है ये आप गिवन सिस्टम में लिखें और नीचे वो लिखें जिनमें आपको कन्वर्ट करना है, फिर आप इन दोनों को बराबर करके कट करते जाएं और जो पावर्स इनकी डायमेंशन की दी हुई है उस क्वांटिटी की वो यहाँ देख के सॉल्व कर लें, एक ईजीली आपका n2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तीसरा जो यूज होता है वो होता है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, जिसमें आपको गिवन होगा कि सपोज कोई क्वांटिटी q एबीसी पर डिपेंड करती है, तो सिर्फ इतना ही दिया जाएगा कि एबीसी पर डिपेंड करती है, आप क्या करेंगे उसकी पावर्स एज्यूम कर लेंगे। पावर एज्यूम करना मतलब कि a पर कैसे डिपेंड करती है, तो भाई a की x पावर पर डिपेंड करती है, y की b पावर पर डिपेंड करती है और c की z पावर पर डिपेंड करती है। इस तरह से अपन ने यहां लिख लिया इसको, a की x पावर, b की y पावर और z की c की z पावर। तो अगर हम पावर्स आ गई तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट लगा के आ गई, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड आउट की जाती है, लेकिन a b c की पावर x y z पर ये क्वांटिटी क्यों डिपेंड करती है। अब क्या करना है, आपको LHS की डायमेंशन लिखनी है, आपको RHS में इन तीनों क्वांटिटीज a b c की डायमेंशन लिखनी है और उन पर x y z पावर लगानी है, और पावर लगाने के बाद इन डायमेंशंस को सॉल्व करके m की टोटल पावर कितनी बनी, l की टोटल पावर कितनी हुई और टाइम की टोटल पावर कितनी हुई, इन LHS और RHS में तीनों m, l और t की पावर्स को कंपेयर करते हुए तीन इक्वेशन लिखनी है, उससे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला एज्यूम करना है और उसकी जो x, y, z आपने माना है, जो आपने एज्यूम किया है कि इनकी पावर कैसी है, कैसे डिपेंड करती है, उसे आप डायमेंशनली दोनों साइड्स की डायमेंशंस को कंपेयर करके इक्वेशंस बनाएं और उससे आंसर निकाल लें। इस तरह से इन तीन यूजेस के आपको यहाँ आप आने